सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। वीज बिल माफ करा, वीज बिल माफ करा। नंदुरबार MIM जिल्हा प्रमुख सय्यद रेफत हुसैन यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना निवेदन सादर। सर्वसामान्य जनतेच्या घरगुती लाईट बिल व शेती वापरातील मार्च 2020 पासून संपूर्ण लाईट बिल माफ करण्याच्या मागणीसाठी MIM पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खासदार असुद्दीन ओवैसी यांच्या तसेच महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष गफ्फार कादरी यांच्या आदेशानुसार दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्व शेतीसाठी आणि घरगुती ग्राहकांसाठी 100 युनिट्स पर्यंत मासिक वापर करण्यातील सर्व ग्राहकांचे पूर्ण वीज बिल माफ करावे, 500 युनिट पर्यंतचे प्रत्येक ग्राहकांचे 50% वीज बिल माफ करावे व 500 युनिटच्या पुढील वीज बिल 30% माफ करावे अशी रास्त मागणी या निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे। रास्त मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, अन्यथा 1 सप्टेंबर पासून राज्यभरात MIM पक्षाच्या वतीनं संविधानिक मार्गाने जनआंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे। प्राइम FIR साठी फिरोज खान यांचा रिपोर्ट, नंदुरबार। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन जैसे सरकारी आदेशों के बाद लोगों की जो आर्थिक हालत हुई है उसके चलते खाने पीने और ज़रूरी अखराजात के अंदर जो मार पड़ रही है आम आवाम को, उसके चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से MP सैयद इम्तियाज़ जलील और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इनकी क़यादत में आज पूरे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे साहब के नाम हमने जो है आज पूरे महाराष्ट्र के एक ही वक्त में तहसीलदार, कलेक्टर और MSCB के आला अधिकारियों को ये निवेदन दिया है कि मार्च से लेकर इस वक्त तक के अगले 4 महीने 5 महीनों का जो बिल है ये पेंडेमिक के लॉकडाउन के अंदर आया है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र माफ़ करे और आम आवाम को थोड़ा सा आर्थिक दिलासा दे। इस सिलसिले में पिछले 3 महीनों से हम लोग कंटिन्यू आवाम की नुमाइंदगी सरकार से करते आ रहे हैं और आज ये निवेदन देने के बाद हम आपके ज़रिए आप सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर अगर जल्द अज जल्द फैसला नहीं लिया गया, कोई निर्णय पर सरकार नहीं पहुंचती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकशाही तरीके से धरने, मोर्चे, आंदोलन, जो कुछ भी कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं वो सब हम करेंगे आवाम के फायदे के लिए।